एवरी वन इन दिस वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस और हाउ मेनी स्टेट कैन बी काउंट बाई दिस काउंटर दैट इज इक्वल टू एन विच इज नाइन मीन्स की नाइन स्टेट्स को काउंट करेगा और उसकी काउंटिंग की रेंज क्या होगी काउंटिंग की रेंज अप काउंटर है तो जीरो टू एन माइनस वन मीन्स की जीरो टू एट काउंट करेगा नाउ हाउ मेनी फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो हम कंडीशन चेक करेंगे एन शुड बी लेस देन इक्वल टू टू रेस टू पावर स्मॉल एन वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्लॉप तो नाउ अगर हमारी कैपिटल एन इज़ नाइन लेस देन इक्वल टू टू रेस टू पावर फोर पुट करते हैं तो नाइन इज लेस देन सिक्सटीन मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड होगी गए मीन्स नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे फोर नाउ अब हमें जब फ्लिप फ्लॉप्स को नेम असाइन करने होंगे तो ये आप पर है आप क्या नाम देते हो क्यू जीरो क्यू वन वन जीरो कुछ भी दे सकते हो मैं मोस्टली ए बी सी एंड डी लेती हूँ फोर फ्लिप फ्लॉप ए बी सी डी जिसमें से ये हमारा क्या है एम एस बी बिट है और ये हमारी क्या है दिस इज़ एल एस बी बिट ठीक है नाउ अब ये स्टेट्स काउंट करेगा जीरो टू एट तो मैं बाइनरी में उनकी वैल्यूज लिख देती हूँ फिर उनका हम सीक्वेंस देखेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं ये मैंने सारी स्टेट्स लिख दी ज़ीरो टू एट नाउ काउंटिंग क्या होगी अब काउंटिंग है तो जीरो से वन वन से टू टू से थ्री थ्री टू फोर फोर टू फाइव फाइव टू सिक्स सिक्स टू सेवन सेवन टू एट और एट टू वापस जीरो दिस इज द स्टेट डायग्राम फॉर मॉड नाइन काउंटर क्लियर स्टेट डायग्राम क्लियर नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी स्टेट टेबल तो स्टेट टेबल के लिए हमारे पास फोर फ्लिप फ्लॉप्स थे ए बी सी डी तो प्रेजेंट स्टेट होगी इनकी आउटपुट्स क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी ठीक है नाउ नेक्स्ट स्टेट क्या होगी नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू ए प्लस वन क्यू बी प्लस वन क्यू सी प्लस वन क्यू डी प्लस वन नाओ इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे फोर फ्लिप फ्लॉप हैं तो टी ए टी बी टी सी एंड टी डी ठीक है हमारे फोर फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे ये डन नाउ अब मैं यहाँ पर पूरे स्टेट्स लिख लेती हूँ जो इससे पॉसिबल होती हैं ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो सारे स्टेट्स लिख लेती हूँ मैं नाउ मैंने ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए फोर बिट्स के ठीक नाउ अब हम अकॉर्डिंग टू द स्टेट टेबल अगर हम जीरो पर हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या है वन मीन्स की जीरो जीरो ज़ीरो वन इफ़ प्रेजेंट स्टेट इज वन तो नेक्स्ट स्टेट इज टू ठीक है जीरो 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 वन से हम कहाँ जाएंगे जीरो जीरो वन ज़ीरो टू के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी थ्री थ्री के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी फोर फोर के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी फाइव फाइव के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी सिक्स के बाद नेक्स्ट डेट क्या होगी सेवन सेवन के बाद नेक्स्ट डेट क्या होगी एट एंड एट के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जीरो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एट से जीरो नाउ दीज आर द अनयूज स्टेट्स तो हम इनको क्या लेंगे डोंट केयर अनयूज स्टेट्स की क्या होंगी डोंट केयर कि वो किस स्टेट्स पे जाती हैं वो हमारी कंडीशन होगी डोंट केयर की ये मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए नाउ अब जब हम इनके इनपुट्स लिखेंगे बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप तो वो भी हमारे इन केसेस के लिए क्या होंगे ऑल फोर इनपुट्स के लिए ये हमारे क्या होंगे डोंट केयर नाउ अब हमें वहां पे इनपुट्स चाहिए तो हमें इसके लिए टी की एक्साइटेशन टेबल पता होनी चाहिए तो टी की एक्साइटेशन टेबल के अकॉर्डिंगली क्या होता है दिस इज प्रेजेंट स्टेट दिस इज नेक्स्ट स्टेट और टी प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट बोथ सेम है तो टी विल बी जीरो जीरो वन मीन्स की चेंज है तो टी की वैल्यू वन वन जीरो मीन्स प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ क्या होगा वन अगर दोनों वन है मीन्स कि दोनों सेम है तो जीरो ठीक तो ये फोर कॉम्बिनेशन से आपको क्लियर होगा कि इफ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट बोथ सेम है तो टी इज जीरो तो यही हमें यहाँ पर यूज करना है जब हम टी ए टी बी टी सी टी डी की वैल्यूज लिखेंगे ठीक तो नाउ वन बाई वन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर टी ए टी ए के लिए हम किसे कंसिडर करेंगे क्यू ए एंड क्यू ए प्लस वन तो नाउ यू कैन सी कि बिफोर दिस बिफोर दिस कॉम्बिनेशन क्यू ए एंड क्यू ए प्लस वन इज सेम अगर दोनों सेम है तो टी ए की वैल्यू क्या होगी जीरो क्लियर तो मैं ऑल केसेस के लिए क्या पुट कर देती हूं जीरो नाउ यहां जीरो यहां वन चेंज है मीन्स वन यहां वन यहां जीरो चेंज है मीन्स वन ठीक तो ये हो गया किसके लिए टी ए के लिए नाउ मैं साथ के साथ टी ए की इक्वेशन भी लिखती जाती हूँ अगर हम टी ए की इक्वेशन लिखते हैं इसकी अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है टी ए की इक्वेशन लिखते हैं तो टी ए इज इक्वल टू समीशन एम ठीक है ये कहाँ पर वन हुआ ज़ीरो वन वन सेवन और एट पर तो ये क्या हो जाएगा सेवन एट प्लस इसके डोंट केयर क्या हैं नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एन फिफ्टीन ठीक नाउ अब हम करेंगे टी के लिए तो टी की इक्वेशन के लिए हम किसे चेक करेंगे क्यू बी एन क्यू प्लस वन को ठीक है तो इसके लिए मैं लिखती हूँ नाउ अब आप यहाँ पर देखो टिल दिस वैल्यू टिल थर्ड वन टू थ्री ये तीनों सेम है मींस कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर थ्री केसेस जीरो नाउ यहाँ जीरो है यहाँ वन है वन चेंज मीन्स वन अगेन वन 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 नेक्स्ट थ्री केसेस के लिए ये सेम है मीन्स की जीरो नाउ यहाँ वन है यहाँ जीरो है मीन्स की अगेन चेंज है मीन्स वन लास्ट केस मीन्स की यहाँ जीरो यहाँ जीरो सेम है मीन्स जीरो ठीक नाउ अब हम इसके लिए भी इक्वेशन लिख लेते हैं टी बी इज इक्वल टू समीशन एम ये सबसे पहले वन कहाँ पर हुआ यहाँ पर मीन्स कि जीरो जीरो वन वन ये है थ्री नाव नेक्स्ट वन कहाँ हुआ जीरो वन 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 पर मीन्स कि सेवन ठीक प्लस डोंट केयर विल बी सेम यही डोंट केयर होंगे नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ठीक नाओ अब हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर टी सी ठीक है टी सी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम किसे कंसिडर करेंगे क्यू सी एंड क्यू सी प्लस वन को तो जीरो जीरो सेम है मीन्स की जीरो ना जीरो वन चेंज है मीन्स की वन नो वन और वन दिस इज वन और वन ठीक सेम मीन्स जीरो नो वन और जीरो चेंज मीन्स वन यहाँ जीरो यहाँ जीरो सेम मीन्स जीरो नो जीरो वन चेंज मीन्स वन नाव वन और वन सेम है मीन्स जीरो यहाँ वन जीरो चेंज मीन्स वन जीरो जीरो सेम है मीन्स जीरो मीन्स की ऑल्टरनेटिवली जीरो वन जीरो वन है ठीक तो नो टीसी विल बी इक्वल टू समन वन वन के लिए ये वन है this one, फिर देन ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के लिए वन है ठीक है प्लस डोंट केयर विल बी सेम नाउ अब हम इक्वेशन लिखते हैं फॉर टी डी टी डी के लिए जब हम लिखेंगे तो हमें किसे देखना है लास्ट का क्यू डी और क्यू डी प्लस वन तो नाउ यू कैन सी जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो सब में चेंज है टिल दिस लाइन सारे चेंज है तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ वन 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 ठीक नाव यहाँ वन यहाँ जीरो अगेन चेंज मीन्स वन लास्ट जीरो जीरो नो चेंज मीन्स जीरो ठीक तो नाव इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्सेप्ट दिस कॉम्बिनेशन सब पर ये क्या है मीन टम हमारी अवेलेबल है क्लियर है तो नाव इक्वेशन क्या हो जाएगी फॉर टी डी टी डी विल बी इक्वल टू समीशन एम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट के लिए जीरो है प्लस डोंट केयर विल बी सेम तो मैं डोंट केयर यहाँ नीचे लिख देती हूँ क्या हो जाएगा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक नाउ अब हमें जब फोर फंक्शंस मिल गए तो अब हमें इक्वेशन चाहिए होंगी तो हमें फोर के मैप बनाने हैं सो दैट कि हमें इक्वेशन मिल जाए स्टार्ट करते हैं मैंने ये फोर ब्लैंक के में बना लिए अब हम इसमें वैल्यूज फीड करते हैं सबसे पहले मैं डोंट केयर फिल कर देती हूँ बिकॉज डोंट केयर इज सेम फॉर ऑल ठीक है डोंट केयर सबके लिए सेम है तो सबसे पहले हम डोंट केयर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मीन्स कि नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेम होगी तो मैं सेम पुट कर देती हूँ इन ऑल डन ठीक नाउ अब वन बाई वन शुरू करते हैं हम सबसे पहले हम टी ए के लिए प्लॉट करेंगे सेवन एट सेवन कहाँ होगा यहाँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डन नाउ टी बी के लिए थ्री सेवन थ्री सेवन दिस इज फॉर टी ए दिस इज फॉर टी बी दिस इज फॉर टी सी और दिस इज फॉर टी डी ठीक है ये जीरो यह वन ठीक नाव टी सी की वैल्यू क्या है वन थ्री वन थ्री फाइव सेवन फाइव सेवन ठीक नाउ फॉर टी डी टी डी के केस में एक्सेप्ट एट सब जगह है मीन्स की जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डन नाउ अब हमें क्या करना है सिंपलीफाई करना है ठीक तो हम शुरू करते हैं विथ टी ए तो टी ए के, के केस में अगर हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखें हमारा तो ये हमारा बनेगा एक ऑक्टेड ठीक है और वन बनेगा पेयर ठीक है अगर हम इस ऑक्टेट को देखें तो ये दो रो यूज हो रही है व्हाट इज कॉमन वैल्यू कॉमन वैल्यू है वन और ये वन किसके लिए है क्यू ए मीन्स की टी ए की क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा क्यू ए चारों कॉलम इन्वॉल्व हो गए मीन्स की वन हो गया नाउ प्लस ये वाला पेयर यूज हुआ है इस पेयर के लिए हमारी रो क्या यूज हुई दिस वन ठीक है इस रो से कॉमन वैल्यू क्या है ये वन और ये वन किसके करस्पॉन्डिंगली है क्यूबी तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्यूबी कॉलम सिर्फ एक यूज हुआ है क्यूसी क्यू डी ये हो गया क्यूसी एंड क्यू डी दिस इज द इक्वेशन फॉर टी ए नाउ अब हम इक्वेशन करेंगे फॉर टी बी तो टी बी के के केस में सिर्फ और सिर्फ एक हमारा क्वाड बन रहा है वो क्वाड कैसे है दिस वन ओनली सिंगल क्वाड दिस वन ठीक ये क्वाड बन रहा है मीन्स कि ये रो यूज हो रही है और इस रो में क्यू सी एंड क्यू डी दोनों की वैल्यू वन है मीन्स कि टी बी इज इक्वल टू क्यू सी क्यू डी डन नाउ अब हम करते हैं यहां पर सिंप्लीफाई नाउ इन दिस केस टी सी में वन ऑक्टेड इज पॉसिबल दिस वन ठीक ये अगर हमने ऑक्टेड बनाया तो ये दोनों यूज हुई वट इज द कॉमन वैल्यू दिस वन इज कॉमन इन बोथ तो और ये वन किसके लिए है क्यू डी मीन्स की टी सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी टी सी इज इक्वल टू क्यू डी क्लियर नाउ अब हम करते हैं इस वाले केस में इस केस में भी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्ड बन रहा है सॉरी एक ऑक्टेड बन रहा है पॉड नहीं ऑक्टेड यहां पर भी एक ऑक्टेड यहां पर भी ऑक्टेड ये जब हमारा ऑक्टेड बना तो हमारी दो रो ये यूज हुई कॉलम से तो सारे यूज हो गए मीन्स बन हो गए ये दो रो यूज हुई वट इज द कॉमन वैल्यू दिस इज कॉमन वैल्यू ये क्या है क्यू ए क्यू ए है और इसकी वैल्यू क्या है जीरो मीन्स की टी डी इज इक्वल टू क्यू ए बार ठीक तो नाउ दिस इज द इक्वेशन ये हमें चारों इक्वेशन मिल गए नाउ अब हम करेंगे इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ हमें फोर फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे मैंने फोर फ्लिप फ्लॉप ले लिए याद रखना है दिस इज एल एस बी अगर ये हमारा एल एस बी है मीन्स कि ये हमारा क्या होगा टी डी ये टी सी टी बी एंड टी ए ठीक है आउटपुट ऑफ दिस क्यू डी एंड क्यू डी बार क्यू सी क्यू सी बार क्यू बी क्यू बी बार क्यू ए क्यू ए बार ठीक वन मोर थिंग ये सिंक्रोनस काउंटर है मीन्स कि क्लॉक क्या होगी सेम अप्लाई होगी अगर मैंने नेगेटिव निगेटिव ट्रिगर ली तो ये नेगेटिव वर्ड्स सबको अप्लाई होगी ठीक ये तो हमारी कॉमन थिंग थी नाउ स्टार्ट करते हैं विथ टी डी टी डी इज इक्वल टू क्यू ए बार मीन्स कि मैं क्या करूंगी इसको हम फीडबैक दे देते हैं ये क्यू ए बार था कनेक्ट कर दिया ठीक ये हमारी क्लॉक थी ये हमारा टी डी कनेक्ट हो गया विथ क्यू ए बार नाउ वट इज द आउटपुट ऑफ नहीं व्हाट इज़ द इनपुट फॉर टी सी टी सी के लिए इक्वेशन क्या है टी सी इज इक्वल टू क्यू डी तो हमारा क्यू डी जो है इसको हम सीधे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर टी सी से नाउ ये डन हो गया ये डन हो गया नाउ टी बी इज इक्वल टू क्यू सी एंड क्यू डी एक एंड प्रोडक्ट होगा मीन्स की एंड गेट लिया इस पर एक इनपुट क्यू सी दिया दूसरा इनपुट हमने क्यू डी दिया और इसकी आउटपुट टी वी पर कनेक्ट हो गई डन ये भी हमारा डन हो गया नाउ अब हमारा क्या टर्म है क्यू ए प्लस क्यू बी क्यू सी क्यू डी तो दिस इज क्यू सी क्यू डी ये हमारा क्या था क्यू सी क्यू डी तो हम एक सॉरी ये हमारा इरेज हो गया तो मैं एक पहले एंड गेट लगाती हूँ ठीक है इस पर हमने क्यू बी क्यू सी को अप्लाई किया दिस टर्म और दूसरा इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू बी तो क्यू बी को कनेक्ट किया नाउ दिस टर्म को हम क्या कर रहे हैं और विथ क्यू ए तो हमें एक और गेट चाहिए होगा जिसकी एक इनपुट तो हमें यहाँ से मिलेगी ठीक है और सेकेंड इनपुट कहां से मिलेगी क्यूए से फीडबैक होकर आएगी दिस वन ठीक है और ये आउटपुट अप्लाई होगी टीए को ठीक है तो दिस इज द सर्किट मैं आउटपुट्स भी शो कर देती हूं आउटपुट्स हम कहां से लेंगे तो आउटपुट्स में शो कर देती हूं बाई अदर पेन ठीक है हाँ दिस इज क्यू डी दिस इज क्यू सी दिस इज क्यू बी और दिस इज क्यू ए done so this is mod 9 synchronous up counter using t flip flop thank you so much still you have any doubt related to this topic please write down in comment section thank you